कावड़ यात्रा में आई गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, नशे के इंजेक्शन देकर कई दिनों तक की हैवानियत। जी हां, आपको बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में बीते शुक्रवार देर शाम को एक गली में महिला नशे की हालत में पड़ी थी। सूचना पर गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने के बाद महिला सिपाही ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने जो बताया उसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जी आपको बता दें कि उसने बताया कि गाजियाबाद की रहने वाली है। वह कांवड़ यात्रा के दौरान रुड़की आई थी। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड के पास उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। इस बीच उसे समुदाय विशेष का एक युवक मिला था और उसने मोबाइल रिचार्ज कराने की बात कही। युवक उसे रेलवे रोड स्थित एक कमरे में ले गया। बताया कि युवक मूल रूप से मुजफ्फरनगर का निवासी है। आरोप है कि युवक ने उस पर गलत काम कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने नशे के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। आरोप है कि नशे की हालत में उसने युवती के साथ गलत काम किया। कई दिनों तक वह इंजेक्शन देकर उससे गलत काम करता रहा। शुक्रवार शाम उसे होश आया तो वह किसी तरह जान बचाकर कमरे से भागी थी। वहीं पुलिस ने युवक के कमरे पर छापा मारा तो ताला लटका मिला। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। उधर पुलिस महिला के पति से भी संपर्क कर रही है। एसपी देहात SK सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।